चार्ज है जिसमें गिवन डाटा आपके पास है उसका जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू है माइनस 8.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 8 कूलम। अब वो ये कह रहे हैं कि एक चार्ज है उसको आपने ओरिजिन पे रखा हुआ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जी एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसके एक्सिस ड्रॉ करते हैं, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है आपका जी एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे आपने चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है माइनस 8.0 इंटू 10 रेज पर माइनस 8 कूलम। तो कह रहे हैं इस जी एक्सिस पे 2 मीटर डिस्टेंस पे आप फाइंड आउट करें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपने उसी तरह से डिस्टेंस कितना होगा, आर इज इक्वल टू 2 मीटर। आपको रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपको कहाँ चाहिए, ऑन जी एक्सिस, यानी कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लेना बल्कि आपको जी एक्सिस पे चाहिए। आपको पता है एक्स एक्सिस को जब भी हमने लिखना होता है तो आई यूनिट वेक्टर लिखते हैं, y एक्सिस हो तो j यूनिट वेक्टर लिखते हैं और z एक्सिस हो तो हम साथ में k यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो अभी जो हमने फाइनल रिलेशन निकाला था आपके पास वो किसके इक्वल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q ओवर r स्क्वायर और उसकी जो वेक्टर फॉर्म थी उसमें हमने साथ में r यूनिट वेक्टर लिखा था। तो अब चूंकि हमारे पास अलोंग जी एक्सिस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे के यूनिट वेक्टर लिखें। अब इन सब की वैल्यू पुट कर लें, इस सारे की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू भी आपके पास गिवन है और के यूनिट वेक्टर आपका उसी तरह से साथ आ जाएगा और आपके पास इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा -1.8 × 10⁻²² के यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। अब चूंकि माइनस साइन आ रहा है इट्स मीन कि जो डायरेक्शन होगी वो जी एक्सिस तो होगा लेकिन नेगेटिव जी एक्सिस होगा, तो नेगेटिव जी एक्सिस मीन कि वो आपके पास कुछ इस तरफ से। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू आपके पास ई की वैल्यू जो कि आपके पास ये है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4, उसमें आपने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर और पॉइंट चार्ज की वैल्यू गिवन है, आप बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ इसमें और उसमें ये डिफरेंस है तो उसमें आपको जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं गिवन। तो आप सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, आर जो है वो आपके पास है 4i + 3j। तो आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे उसी तरह से 4² + 3² और स्क्वायर रूट ये आपके पास 5 आ जाएगी। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, आर यूनिट वेक्टर पास 5 आ जाएगी। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होगा आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर जो है वो इक्वल है 4i + 3j डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 5। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। Q की वैल्यू भी गिवन है, R की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, R यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, इनकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ जाए। थैंक यू सो मच। आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।